व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। आप ये सैलेड पार्टीज या मैरिजेस में हमेशा देखेंगे और ये खाने में सबको बहुत पसंद आता है। सो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसे लंच या डिनर के साथ कभी भी सर्व कर सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएगा। सो इस वीडियो के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस चैनल के थ्रू ऐसी ही बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बोल लें और बोल में डालें बॉईल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी को थोड़ा खड़ा खड़ा ही बॉईल करें, बहुत ज़्यादा मशी ना करें। और फिर आप इसमें डाल दें फाइनली चॉप की हुई कैरेट्स। फिर आप इसमें डाल दें फाइन चॉप किया हुआ क्यूकम्बर, पर्पल कैबेज, कुछ उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, और फिर आप इसमें डाल दें फाइन चॉप किया हुआ प्याज। आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर आप इन सारी सब्जियों को पहले मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप एक बोल में डालें मेयोनीस। मैं यहाँ पे एगलेस मेयोनीस यूज कर रही हूँ, सो आप यहाँ पे एग वाली भी यूज कर सकते हैं। मेयोनीस डालने के बाद उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें डाल दें पाउडर शुगर एज पर योर स्वीटनेस। सो आप यहाँ पे अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी डाल सकते हैं, जितना भी आपको स्वीट पसंद है। और आप इसे मेयोनीज के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें कोई भी लम्स ना बने, इस बात का ध्यान रखें। और आप इसे देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। सो अब आप मेयोनीज को अपनी मैक्रोनी में डाल दें। आपको जितना क्रीमी पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, अगर कम क्रीमी चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं। फिर आप इसके ऊपर से डाल दें हरा धनिया, आप चाहें तो स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स भी यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें डाल दें आधा नींबू का रस। आप इसकी जगह पे हाफ टेबल स्पून विनेगर भी यूज कर सकते हैं। और फिर आप इसके ऊपर से डाल दें कुटी हुई काली मिर्च। आप यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड करें, जिसे मैं दिखाना भूल गई। सो इन सारी चीजों को आप अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें। और इसे आप फ्रिज में रख दें चिल होने के लिए, चाहे आप आधा घंटा रखें या ओवरनाइट, बस ये चिल होनी चाहिए अच्छे से। तो एक घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा था, अब ये ठंडी हो चुकी है। अब आप इसे एक और बार मिक्स कर लें और आपका क्रीमी मैक्रोनी सैलेड बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रीमी और कितना टेस्टी लग रहा है। सो आप इसी तरीके से ये मैक्रोनी सैलेड बनाएं और अपने मील्स के साथ इसे सर्व करें, क्योंकि खाने में ये सैलेड बहुत टेस्टी लगता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप इस रेसिपी को ट्राई करके अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।